हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं। एक हमारा सब्सक्राइबर है जिनका नाम है मुकेश, उन्होंने सेम वीडियो में मेल आईडी दिया, उन्होंने डायरेक्ट मुझे मेल किया। मेल करके उन्होंने बोला कि मेरा ऐसे है, उन्होंने नया किट लिया और फिट करके स्क्रू लगता है उन्होंने नट जो प्रॉपर टाइट नहीं किया और किट को ऑन कर दिया, थ्रोटल दे दिया, जिसकी वजह से फॉर्क से जो ये मोटर निकल गया और इसका वायर जो है घूम गया, काफ़ी टाइम घूम गया, जिसकी वजह से वायर यहाँ से कट गया है। तो ये किट अभी ऑन नहीं हो रहा है, मोटर अभी ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें ये पूरा ये कंप्लीट वायर ही चेंज करना है। देखिए यहाँ पे भी कट गया है और यहाँ पे तो कटा ही, अभी पूरा वायर ही वाउंड हो गया है, देखते हैं अभी वायर खोल के। सो ये पूरा वायर को रिप्लेस करना है, ये ब्रांड न्यू मोटर है। चलिए ओपन करते हैं। पहले ये 4 mm के एलेंकी बोल्ट्स इसमें खुलेंगे और ये मैं बता दूँ 36 वोल्ट का 250 वाट का ही मोटर है, साइकिल का 4 mm का एलेंकी। ये बोल्ट को खोलना पड़ेगा, लकड़ी लेंगे, जिस तरफ का इसका एलेंकी का स्क्रूस अपन ने खोला है उसको ऊपर रखना है और नीचे प्रेस करना है। ये दो इसको खोलेंगे, देखिए संभाल के निकालना होता है। दो सेंसर निकल गए आराम से इजली, बट ये वाला नहीं निकला, इसका पिन टूट गया। पांचों के पांचों वायर निकालना है, एक एक निकालना है। पहले एक का निकाल करके शोल्डर मारेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर शोल्डर मारेंगे। यहाँ का जो वाइट ब्लैक कलर का ग्लू दिख रहा है, ये ग्लू निकालना पड़ेगा। ये ग्लू निकाल के फिर यहाँ का ये क्लिप निकालना पड़ेगा, रिवर्स नोज प्लायर, इलेक्ट्रिक गियर बॉक्स असेंबली पूरा खोल के मैग्नेट भी खोल के निकालना पड़ेगा, कि बिकॉज ये वायर का जो होल है, यहाँ से वायर आया हुआ जो होल है उसका नीचे है, अगर यहाँ से हम डालेंगे तो ऊपर आएगा नहीं, हमें पीछे से भी पुश करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पीछे का पूरा प्लंट गियर बॉक्स पूरा खोलना पड़ेगा। खोलने से पहले ये पीसीबी निकाल देते, नहीं तो पीसीबी डैमेज हो जाएगी ना, तो और ज़्यादा दिक्कत होगा। साइकिल में टोटल बैरिंग कितनी आती है, साइकिल के मोटर में सिर्फ 4 बैरिंग आती है। एक बैरिंग तो ये हो गया, एक जस्ट इसके पीछे लगाया हुआ है जो इस साइड से दिखेगा, ये एक इस साइड और एक इस साइड, चारों के साइजेस अलग अलग होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। दूसरा वायर इसलिए काटा गया है क्योंकि सोल्डरिंग करने के टाइम पे पता चले कि कौन सा वायर का कलर यही है। देखिए कहाँ से ये बाहर का हिस्से है जहाँ पे बाहर बैंड हुआ था और ये पूरा अंदर से बैंड होते हुए पूरा यहाँ तक पूरा बैंड हो गया था। तो ये जो है अब हम वायर डालने जा रहे हैं। वायर को डालने से पहले ना एंडिंग में ऐसे हल्का सा बैंड कर लीजिएगा, उसके बाद जैसे बैंड है जिस साइड होल है उसी साइड इसको रखें। होने के बाद इसको यहाँ का जो क्लिप है उसको लगा देना है। तो पहले हम ये फेस वायर को ज्वाइन मारेंगे, इसको फिक्स करेंगे, उसके बाद हम हॉल सेंसर के वायर है उनको हम टच करेंगे। तो ये इसका जो फेस वाले वायर है शोल्डर मारने के लिए कम से कम 60 वाट का शोल्डर आयरन चाहिए, बिकॉज ये वायर का बहुत थिक है। Temptation within.
इसको चेक कर लीजिए, फिटिंग करने के टाइम पे हमेशा भी ये जो सेंसर है पोजीशन पे रहना चाहिए, थोड़ा सा भी बाहर नहीं होना चाहिए, तभी ही साइकिल या बाइक कोई भी मोटर चलेगा, क्योंकि ये सारे सेंसर पे ही काम करता है। बैक टेस्टर से चेक करते हैं मोटर का आउटपुट मोटर कंडीशन में है क्या। तो और ये हमारा कन्वर्टर जिसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, देखिए मोटर में घुमा रहा हूँ। तीनों बारी बारी से ब्लिंक कर रहा है, मतलब सेंसर ओके है, काम कर रहा है। घुमा के चेक करें, कोई आवाज तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो पीसीबी है पीसीबी बॉडी में टच होगा ना, तो उसकी वजह से आवाज आएगा, तो वो चेक करें, उसके बाद ही फिटिंग करें, टाइट करें पूरी। नट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये सारे बोल्ट्स ढीले हो जाते हैं, ढीले होने की वजह से कवर निकल जाता है। अगर कवर निकल गया तो अंदर का पूरा मैग्नेट पूरा असेंबली पूरा बाहर आ सकता है, तो वो बाहर ना आए उसके लिए ये एक अलग से नट लगाया जाता है, ताकि जैसे की है जैसे वैसे असेंबली वैसे पड़े रहे, बाहर ना निकले। ऐसे ही वीडियोज के लिए बने रहे हमारे साथ, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मोटर हो आपका रिपेयर करना रहे, रिपेयर अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको मेल आईडी हमारी दिख रही होगी, आपको मेल आईडी पर, और हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें मेल कीजिए और कौन सा मोटर है, उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आप अपना नंबर मेल में जरूर छोड़ दीजिएगा जिससे हम आपको कांटेक्ट कर सके, एंड उसके बाद फिर हम आपको आपसे बात करेंगे और मोटर हम अपने पास लेंगे, फिर उसको ऐसे ही वीडियो के थ्रू रिपेयरिंग करेंगे और वो वीडियो आप तक भी पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे। जय हिंद।